जिस नेहा ने बड़ी से बड़ी बीमारी, गंभीर से गंभीर परिस्थितियों का सामना किया, वो ऐसे कायरों से डर जाएगी? तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि स्नेहा लड़े, फिर हार या जीत दोनों मंजूर है। रिपोर्ट तो अच्छी है माथुर साहब, लगता है आप जवानी में बहुत वर्जिश किया करते थे, खूब देसी घी और बादाम खाया है। अरे डॉक्टर साहब, मैं हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर हुआ करता था। अच्छा? अपने कॉलेज का कप्तान था मैं। अच्छा, मैं घर जा सकता हूँ? माथुर साहब, ठीक होने और फिट होने में थोड़ा सा फर्क होता है। आप दो चार दिन ही रही, हम आपकी देख रेख करेंगे, 24 घंटे आपको मॉनिटर करेंगे। अब ये कह रहे हैं तो यही रह लो ना, घर पे तो आप आराम करने से रहे। आप हमारी बात माने या ना माने, लेकिन भाभी जी का हुक्म आप कैसे टालेंगे? अच्छा चलिए, मैं भी चलता हूं। स्नेहा, आपसे कुछ बात करनी है, थोड़ी देर में आप मेरे केबिन में आ जाइए ना। जी। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारे माता पिता दोनों को मायूस कर रही है। माथुर साहब तुम्हारे पिता हैं और हमारे पेशेंट भी, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम अपने पेशेंट को मायूस नहीं किया करते। स्नेहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। है सर, मेरा ही दोष है। अगर बाबूजी को मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम ना गलत सोच रही हो। 23 साल रिपोर्ट्स मैंने भी पढ़ी, बाबूजी के शरीर के हाव देखे हैं मैंने, ये हम दोनों जानते। अगर उन्हें यहां लाने में जरा सी भी देरी हो जाती तो। शुक्र है माथुर साहब। इसलिए सर, अपने बाबूजी की जान मैंने खतरे में डाल दी। एक सरपंच की कुर्सी की खातिर। स्नेहा, सर अगर बाबूजी को कुछ हो जाता तो माँ का क्या होता? क्या हक है मुझे मेरे अपनों की जान यूं खतरे में डालने का? मैं समझ सकता हूं, इस घटना के बाद संतुलन बनाए रखना कितना मुश्किल है। जब यह मुद्दा संवाद के दायरे से बाहर निकलकर हिंसा में उतर आया हो, मैं खुद हिल गया हूं। अगर वार मुझ पर होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा परिवार मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे एम्बिशन की कीमत नहीं चुका सकता। सर, मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगी। अब मैं तुमसे ये तो नहीं कहूंगा कि तुम्हारा फैसला सही है या गलत है, पर मैं ये समझता हूं कि ये फैसला जरूरी है।
अर्जुन, बाबूजी अब खतरे से बाहर हैं। अब स्नेहा, मैं कल ही प्रतापपुर पहुंच रहा हूँ। अर्जुन, मैं समझती हूँ कि तुम बाबूजी से मिलना चाहते हो, पर जल्दबाजी मत करो। एक बार बाबूजी पूरी तरह से ठीक हो जाएं, फिर तुम आ जाना और फिर कुछ दिन यहीं पर रहना। कुछ फैसले हैं जो हमें साथ लेने होंगे। अब अच्छा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? हालात धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं स्नेहा, एक अच्छी और जिम्मेदार टीम बन रही है। बस बहुत जल्दी मैं प्रतापपुर में अपना काम शुरू कर पाऊंगा, उसके बाद लोगों की सेवा और तुम्हारा साथ। तुम्हारी बहुत याद आती है स्नेहा। मैं भी तुम्हारी कमी बहुत महसूस करती हूँ। तुम आ जाओ, फिर बात करेंगे। या दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी और आपकी सेवा में। सारा गांव जानता है, गली गली में किशोर के शोर की गूंज सुनाई दे रही है। कॉल पे कॉल आ रहे हैं, कॉल बंद ही नहीं हो रहे हैं। बुआ जी, ये तो थी बर्फी और हमें चाहिए काजू की बर्फी। ये तुम कह क्यों रहे हो मुन्ना? काजू की बर्फी का एक टुकड़ा काफी नहीं होता, दूसरा टुकड़ा फटाफट खाने का मन होता है। इसलिए तो हमारे किशोर के शोर की गूंज सुनाई दे रही है और इसलिए हमने किशोर के शोर की एक कड़ी और बनाई है, देखोगे? तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, किशोर का शोर दोबारा आने वाला है। जी हाँ, आप उसे सुन भी सकते हैं और मोबाइल पर देख भी सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मीठी। और मैं हूँ अनुराग। किशोर का शोर इस गेम शो में आपका स्वागत है। एक अनोखा, दिलचस्प और लाइव गेम शो खास किशोर और किशोरियों के लिए। यहाँ खुलकर रख सकते हैं आप अपने विचार और दकियानुसी ख्यालों का बना सकते हैं आचार। तो हमारी पहली खिलाड़ी है विनीता। तो स्वागत करते हैं हमारे उस दोस्त का जो अब हमारे सच के डब्बे में कदम रखेंगे और बेझिझक होकर अपनी समस्या रखेंगे। मेरा नाम कमला है और मैं 16 साल की हूँ, खिलाड़ी हूँ, हर 1000 मीटर रेस में फर्स्ट आती हूँ, पर पता नहीं क्यों कुछ दिन से बहुत थकान हो रही है। मेरे स्पोर्ट्स टीचर ने मुझे बहुत डांटा कि अगर मैं इस तरह दौड़ूंगी तो मेरी जगह किसी और को चुन लेंगे। मेरे पढ़ाई पे भी काफी फर्क आ गया, ना दिमाग खेल में लग रहा था और ना ही पढ़ाई में। फिर मैं आशा दीदी से मिली, उन्होंने मेरा खून जांच कराया तो पता चला कि मुझे अनीमिया हो गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। कमला, ये 16 साल की है, इन्हें एनीमिया है, यानी खून में आयरन की मात्रा कम है और इसी वजह से वो खेल में भी पीछे रह रही है और पढ़ाई में भी। तो कमला के इस मुद्दे पर होगा किशोर का शोर। अब हम कमला से संबंधित 3 सवाल पूछेंगे, जो बजर पहला दबाएगा वो जवाब देगा सही या नहीं। तो हमारा पहला प्रश्न हमारी ANM दीदी पूछेंगी। तो सवाल ये है कि घर में माना जाता है कि लड़कों को ज्यादा शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है और लड़कियों को कम, इसलिए लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज्यादा अच्छा और ज्यादा पौष्टिक खाना मिलना चाहिए। क्या ये सही है या गलत? सही,
क्योंकि लड़कों का शरीर भारी भरकम होता है, हमें ज्यादा पोषण तो लगेगा ही, लड़कियों का क्या, उन्हें तो बस घर का काम करना होता है। बिल्कुल गलत जवाब है ये। लड़कियों के शरीर को भी पोषण की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि लड़कों के शरीर को, बल्कि कई बार तो उससे भी ज्यादा। असंतुलित आहार लेने से अनीमिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं, शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। कई बार घरों में लड़कियों के पोषण पर, उनके आहार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उन्हें अनीमिया हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि लड़कियों को भी खाने में हरी सब्जियां, दाल, फल इत्यादि दिया जाए, जिससे कि उनके शरीर में आयरन की कमी ना हो। खून की कमी होने से लड़कियां अस्वस्थ रहती हैं और आगे जाकर उन्हें बच्चा जनने में खतरा पैदा हो सकता है। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अरविंद ने दिया है गलत जवाब और उसका स्कोर रहता है 0। और हमारा दूसरा सवाल पूछेंगी हमारी A&M दीदी। सवाल ये है, क्या IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों से अनीमिया को भगाया जा सकता है? बताइए सही है या गलत। सही, मेरी दीदी को A&M दीदी ने ही IFA यानी आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी थी। 100% सही। IFA की गोलियां जादू है, लेकिन इसे A&M दीदी की सलाह लेकर लेनी चाहिए खाने के आधा घंटा पहले। वैसे कुछ और घरेलू तरकीबें हैं आयरन बढ़ाने के लिए, जैसे कि घर में लोहे के बर्तन में खाना पकाना, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना और ऐसी फल सब्जियां खाना जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में हो, जैसे कि नींबू, आंवला, मौसम्बी, संतरा। विनीता को मिलते हैं 1 अंक और अरविंद अभी तक 0 पे है। तो अब तीसरा प्रश्न पूछेंगी हमारी डॉक्टर स्नेहा दीदी। अनीमिया का वास्ता हमारे शरीर की साफ सफाई से है या नहीं? नहीं, क्योंकि अनीमिया खून में आयरन की कमी की वजह से होता है, इसे साफ सफाई का क्या लेना देना। बिल्कुल गलत जवाब। साफ सफाई हमारे स्वास्थ्य का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो अनीमिया और उसके जैसी कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे कि रोज नहाना चाहिए, पैरों में हमेशा जूते या चप्पल पहनने चाहिए जिससे कि कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके। समय समय पर डॉक्टर की सलाह से डीवर्मिंग की दवाइयाँ लेनी चाहिए यानी कि कीड़ानाशक दवाएँ। अपने घर के आसपास मच्छरों को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए जिससे कि मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से बचा जा सके। और खाने को हमेशा ढककर धीमी आंच पर पकाना चाहिए जिससे कि उसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। तो आज हमारे गेम शो की विजेता है विनीता। सच का डब्बा आपका इंतजार करेगा, तो मन के सारे विकारों को दूर कीजिए, हिचकिचाइए नहीं, हम आपकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। ये बस आपकी आवाज पहुंचाने का एक जरिया है। सांझ हो या भोर, अब हर समय गूंजेगा कर सकते हैं हम जब साथ हो तो हम घर पे राज कर सकते हैं। हम ये भी हम वो भी हम कुछ भी कर सकते हैं। आओ बेटा,
कैसे हैं आप बाबूजी? अच्छा हूँ। माँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अपना नाम वापस ले लूंगी। शायद यही ठीक होगा। अब तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का मौका मिल जाएगा और तुम्हारी मां की वो नाती नातिनी वाली फरमाइश भी पूरी हो सकेगी। मां, आप तो शुरू से यही चाहती थी ना कि मैं चुनाव ना लूं। बस तो अब जो आप चाहती हैं वही होगा। देखा, तुम्हें शिकायत रहती थी कि तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा जी, तो बाप और बेटी दोनों राजी है? हाँ? जो मैं कहूंगी वही होगा जी माँ। ठीक है, तो फिर मेरी बेटी को ले आइए इस कमरे में। माँ, मैं यहीं तो हूँ। नहीं स्नेहा, तो कुछ और बनकर आई है। मेरी स्नेहा ये ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है। तुम क्या कह रही हो? तुम दोनों को वो याद दिला रही हूँ जो तुम दोनों भूल चुके हो। ये स्नेहा अलका और केशव माथुर की बेटी है। माम, जिस स्नेहा ने बड़ी से बड़ी बीमारी, गंभीर से गंभीर परिस्थितियों का सामना किया, वो ऐसे कायरों से डर जाएगी? तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि स्नेहा लड़े, फिर हार या जीत दोनों मंजूर है, लेकिन हथियार डाल देना बिल्कुल नहीं। पर माँ, इतना सब कुछ होने के बाद? बेटा, हुआ तो ये भी है। ये देखिए, वो गुंडे छोड़ गए थे। अभी तो बस हड्डियां टूटी हैं, आगे लाशें बिछेंगी। माँ, आपने बताया क्यों नहीं ये सब? क्या समझते हैं ये लोग, ये हमारा जीवन चलाएंगे? स्नेहा, अगर तू हमारी बेटी है ना, तो इनका मुंह तोड़ जवाब देना तेरा फर्ज है। पर माम, तो पता है ना इसमें कितना खतरा है। बेटा, ये लड़ाई उन लोगों के विरुद्ध है जो गरीबों को मिटाना चाहते हैं, उनसे उनका हक छीनना चाहते हैं। और इस लड़ाई में माथुर परिवार हमेशा तेरे पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। बाबूजी के साथ जो हुआ, उस हादसे का मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा। मुझे यकीन हो गया कि राजनीति मेरे लिए नहीं। बाबूजी पर हुए हमले के पीछे एक ही वजह थी, मेरी हिम्मत को तोड़ना। और मैं टूट भी गई। एक इलेक्शन की खातिर मैं अपने परिवार को जोखिम में क्यों डालूं? इसीलिए मैंने चुनाव से हट जाने का फैसला लिया। डॉक्टर जैन ने भी मेरे इस फैसले को मान लिया और बाबूजी भी समझ गए। पर वो औरत जो पहले दिन से मेरे चुनाव लड़ने के खिलाफ थी, उसी औरत ने मुझसे कहा, अब तू पीछे नहीं हटेगी। और वो औरत है मेरी माँ। मैंने अपनी माँ का ये चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। हर माँ अपनी औलाद की शायद बहुत बहुत ज़्यादा फिक्र करती है, लेकिन आज बात जब सिद्धांतों की हुई, सामाजिक न्याय की हुई, धैर्य की हुई, तो उसने मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया। माँ क्या है,
ये समझने के लिए एक जिंदगी भी शायद कम पड़े। किसी ने ठीक ही कहा है, भगवान हर पल हर जगह तो नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बना दिया। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशी।